आप जानबूझ के उस स्क्रिप्ट को रखे हैं ताकि आप अंधा बन के हीरोइन को छू सके। उससे उसको आप टच कर सके। अगर एक लड़का वहाँ पर सब कुछ अपना गर्लफ्रेंड को दिलो जान से चाहता है, हाँ हाँ हाँ, फिर वो लड़की शादी कर रहा है, हाँ हाँ, तो आपके अंदर क्या बीतेगा? नहीं, सही माने में वो ढेकलना का चुका, बहुत कुछ कर रही है। नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, जोहार जोहार जोहार, मोजरा होरवारिन, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी दर्शकों का झारखंड मूवीज में। आज हमारे पास एक शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत जो अपने जोश और जुनून पे विश्वास करते हैं, एक ऐसे शख्सियत जो दिखते साधारण हैं लेकिन काम करते असाधारण हैं। जब इनका स्क्रीन अपीयरेंस आप देखेंगे तो लगेगा कि इनके अंदर किसी बहुत बड़े हीरो की आत्मा बसी हुई है। अपने आप को बचपन से हीरो मानने वाले कमल आज हमारे साथ हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है झारखंड मूवीज़ में। तो पहले आपको भी थैंक यू रहेगा सर कि मुझे इस काबिल समझा, और जितने भी झारखंड मूवीज़ का ऑडियंस देख रहे हो सबसे पहले उन लोगों को भी मेरा जोहार रहेगा। थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इसके बदौलत सर ने आज मेरे से मिलने के लिए आए हैं। कुछ बहुत बहुत अच्छा, आपको बहुत लोग प्यार कर रहे हैं और आप में अपना अक्स लोग देखते हैं। एक साधारण जो लड़का है वो आपको अपने आप में ढूंढता है। जिस हिसाब से आप वीडियोस में आप जुड़ते हैं तो लगता है कि जैसे कि वही उस जिंदगी को वो जी रहा है। तो खैर, ये आपके एक्टिंग की बदौलत है, यही आपकी शख्सियत है, यही आपकी पहचान है। हाँ, थोड़ा सा ये है ना कि कुछ भी काम करते हैं, अगर हम गाना बना रहे हैं तो पहले गाना को बहुत बार हम सुनते हैं कि क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, और कोशिश करते हैं कि गाना को ना अच्छे से हम समझ लें कि कैसे मतलब क्या करना चाहिए गाना में जो बेटर होगा। उस सब गाना में स्क्रिप्ट मेरा रहता है, भले कि डायरेक्शन के लिए किसी और को देते हैं लेकिन स्क्रिप्ट हम बनाते हैं ताकि हम समझ कि जब आप मतलब पढ़ाई कर रहे होंगे अब क्या आपको एक्टर बनना है, ऐसा मन में आ रहा था क्या? पढ़ाई के टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था, लॉकडाउन से पहले ना मैं राजस्थान में काम करता, एक कंपनी था। काफ़ी काम करने के बाद ना लगता है ना कि क्या जिंदगी है, डेली काम करो, उठो डेली काम करो, तो थोड़ा सा नौकरी होता ना। हाँ, मतलब आप कुछ प्राइवेट जॉब है? प्राइवेट जॉब तक। अच्छा अच्छा, देखिए भाई, बहुत ही संघर्षों के बाद हमारे कमल जी जो हैं वो झारखंड के इंडस्ट्री हैं उसमें अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। वैसे अभी बहुत सारे इनके काम आने बाकी हैं, बाद में भी बहुत सारा जलवा ये दिखाएंगे, लेकिन बहुत ही जद्दोजहद के बाद, बहुत ही मेहनत के बाद इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। ये आप सभी दर्शकों का प्यार है जो कि कमल को कमल बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। और कमल, कुछ रोचक बात हो जाए, आई लव यू जो आपका गाना है, है ना, जिसमें आपने एक नेत्रहीन लड़का का आपने रोल किया है, जिसको नितेश कच्छप जी और साथ में श्रद्धा पल्लवी जी ने गाया है। बहुत ही शानदार गाना है और बहुत अच्छा लगता है, हम लोग कभी भी सुनते हैं तो लगता है वाह क्या गाना है। उसमें आपने नेत्रहीन एक अंधे लड़के का रोल किया है, तो ये आइडिया कहाँ सा है आपका कि अंधा का ही हम लोग को रोल करना है और जो हीरोइन है उसको भी अंधी बना देना है? मतलब अंधा का रोल तो यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर करते हैं, लेकिन हम लोग सोचे ना कि दोनों को ब्लाइंड करते हैं। अच्छा, इस गाने का डायरेक्टर जो है ना अनमोल सर, अनमोल सर बोले कि एक आदमी को अंधा रखो, हम बोला कि नहीं, ये स्क्रिप्ट हम बनाए तो दोनों कैरेक्टर को अंधा रखेंगे तो जी, जी, और थोड़ा इंटरेस्ट है कि अंधा एक कैरेक्टर वाला अंधा आदमी ने बहुत किया, इसलिए हम उनसे बोला कि दोनों कैरेक्टर। हमको लग रहा है ना कि आप जानबूझ के उस स्क्रिप्ट को रखे हैं ताकि आप अंधा बन के हीरोइन को छू सके। भाई, इतनी सुंदर हीरोइन है प्रिया वर्मा, तो हमको तो लगता है कि जानबूझ के आप एक स्क्रिप्ट लिखे हैं कि आप उन्हें हाथों से सेट छू सके। उससे उसको आप टच कर सके या फिर एक दूसरे से, मतलब जो भी हो, हमको तो ऐसा लग रहा था, ऐसा हमको लगा भाई देखते हुए, पता नहीं दर्शक क्या सोचेंगे, ये जस्ट हम तुमसे मजाक कर रहे हैं। सोच रहे हैं वाले तो जी जी जी, क्या नहीं सोच सकते, लेकिन फाइनल मतलब स्क्रिप्ट बनने से पहले डिसाइड नहीं था कि हम प्रिया को ही लेंगे। अच्छा 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 अच्छा, डिसाइड नहीं था, एक बार बोले कि ट्राई करते हैं अगर प्रिया काम करेगी तो। अच्छा अच्छा, अनमोल सर को बोले सर बोल रहे कि काम करेंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जहीन और बहुत ही टैलेंटेड हीरोइन है हमारे झॉलीवुड की प्रिया वर्मा जी, और धीरे धीरे एक
ट्रेंड सेट कर रही हैं, जो हीरोइन का एक दर्जा होता है, एक ऊंचाइया, सही माने में प्रिया वर्मा जी बहुत अच्छा कर रही हैं। और साथ में वो आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, दोनों नेत्रहीन लड़का लड़की का जो आप लोगों ने जो एक्टिंग किया, रोल किया है आई लव यू गाने में, काबिले तारीफ, शानदार, बहुत अच्छा। अब दूसरा जो गाना आपका बहुत ही चला वो है तोर बिन जिंदगी, जो एक बहुत ही खूबसूरत हीरोइन के साथ आप किए हैं गीत क्षेत्र। हाँ। क्या बात है ना, खूबसूरत खूबसूरत हीरोइन से करना है क्या? नहीं वैसा नहीं है, मतलब वैसा लड़की को चुनते ना। अच्छा, जो कैरेक्टर पे कैरेक्टर वो कर सकती है। लेकिन उस गाने में आपका एग्रेशन बहुत ज्यादा एकदम जमा है, आप एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा में है कि तुम्हें मोर नखिस तो केकरो नहीं बोला, मतलब एकदम आप जाकर उसको पोइजन दे रहे हैं, मतलब तो जहर खाने मोरिए जाता हूँ मोर नखिस तो, मतलब ये थोड़ा सा वो हमको लगा कि मतलब एक जुनूनी जो आशिक होता है उस आशिक का वो इन्होंने रोल किया, और पेट्रोल वेट्रोल सब छिड़क लेते हैं। सही माने पेट्रोल था का? नहीं नहीं अच्छा, हमको लगा कहीं ऐसा ना हो कि मतलब करेक्टर को पूरी तरह से 100% फुलफिल करने के लिए कहीं आप पेट्रोल तो नहीं छिड़क लिए, ऐसे मेरे दिमाग में आया। दरअसल ये है ना कि वो गाना को हम ही लिखे थे, तो जब गाना हम लिखे ना उसी टाइम बार में चला कि यहाँ पर ऐसे बनाएंगे ऐसे, बाकी वो गाना अच्छा बनाया। गीत क्षेत्र बहुत ही खूबसूरत हीरोइन है और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, मात्र खूबसूरती माने नहीं रखती है, उसमें टैलेंट भी होना चाहिए। और यहाँ तक मैंने उनके गानों को ऑब्जर्व किया है कि खूबसूरत होने के साथ वो खूबसूरती से उनकी अदायगी भी उभर के आती है बहुत सारे वीडियोस एल्बम में। तो गीत जी आपको भी इस सुंदर से वीडियो एल्बम के लिए, जिसमें आपने एक लड़की जिसकी शादी हो रही है और इसका उसका जुनूनी जो आशिक है वो मंडप में ही आकर के पूरा धमाल मचाता है, उस बीच में आपके चेहरे की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या भाव आने चाहिए, आपने बहुत ही खूबसूरती से उकेरा है, निभाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथ में कमल जी तो खैर एकदम जमा दिए हैं भाई, उसमें तो पूरा एकदम जुनूनी आशिक के रूप में और सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना सुंदर लड़कियों का अपना जोर से ढकेले कहाँ हैं? ढकेलने के पीछे थोड़ा सा ना हमको अच्छा, लगा ना कि अगला को लगना चाहिए ना कि थोड़ा सा मतलब ढकेल दीजिएगा, नहीं तो कितना खराब लग रहा है, हमको बेचारी को ढकेल दिया आप। अगर एक लड़का वहाँ पर सब कुछ अपना गर्लफ्रेंड को दिलोजान से चाहता है, फिर वो लड़की शादी कर रहा है, तो अब के अंदर क्या बीतेगा? सही माने में ढकेलना का चीज़ बहुत कुछ कर रही है, ये तो वैसा तो कुछ नहीं था ढकेलने को, लेकिन सडनली ना सडनली मेरा हाथ चल गया वहाँ, थोड़ा सा एक्टिविटी मेरा चल जाता है। हमारे कोई आप लोगों ने योजना नहीं बनाई थी कि गीत को मैंने ढकेलना ही है, लेकिन आप उस जुनूनी आशिक के कैरेक्टर में कि वो ढकला गई बेचारी, मतलब थोड़ा सा कैरेक्टर करते हैं तो हम ना डूब जाते हैं। नहीं नहीं देखिए भाई, कमल जी बहुत ही जुनूनी एक्टर भी हैं, किसी भी चरित्र को बड़े शिद्दत से ये जीते हैं, और यही कारण है कि बहुत इच्छा हुई इनसे मिलने की। इनके गानों को देखने के बाद मतलब ऐसा लगा कि नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण खदो खाया का है, ऐसा नहीं कि बहुत ऊँची पर्सनैलिटी का हो, लेकिन अपने एक्टिंग के बदौलत, अपने अभिनय के बदौलत किसी भी कैरेक्टर को कैसे जिया जाता है आप कमल जी से सीखिए। ऐसे जुनूनी कलाकार की ही आवश्यकता है हमारे हॉलीवुड में, हमारे नागपुरी इंडस्ट्री में। और कमल जी, बातें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन पहली मुलाकात में झारखंड मूवीज के दर्शकों को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है। झारखंड मूवीज जितने भी दर्शक, सबसे पहले तो जितना भी प्यार मुझे करते हैं या औरों को करते हैं, उतना प्यार सर को दीजिए और हमें भी दीजिए, ताकि सर भी कुछ करें इंडस्ट्री के लिए और हम भी कुछ करें। आप लोग इतना प्यार दीजिएगा तो बहुत कुछ पॉसिबल है, ये सब आप ही लोग को बदौलत है, ठीक है? अगर हम कुछ कर रहे हैं तो आप ही लोग को बदौलत कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो आप ही लोग को बदौलत नहीं करेंगे। इसलिए सर को भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। कमल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और भी बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सारी मुलाकातें होंगी, नए नए जब प्रोजेक्ट आप करते रहेंगे, तो जब भी नए प्रोजेक्ट आए तो हमें सूचना दें, हम लोग आपके गाने जब टीजर्स के रूप निकले तो झारखंड मूवीज में टीजर आए प्रमोट करने का प्रयास करेंगे। और हमारे सभी दर्शकों का आभार और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कमल जैसे कलाकारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। कमल जी, आप ऐसे ही आप काम करते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति कीजिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, हमारी ये शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, सायोनारा, बाय बाय। थैंक यू सर।